अपने कंट्रोवर्शियल बयान से जानने वाले महराज मलिक, मैं आपको बता दूं डीडीसी काहरा काउंसलर हैं ये, और अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से जो है वो जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और लगातार आप जानते हैं जिस तरह से एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उनपे जिन्होंने जो है वो नाजायज जो है वो कब्जे जमीनों पे करके रखे हुए हैं उनपे एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। लेकिन लगातार उस पर हम अलग अलग नेताओं के जो है वो बयान देख रहे थे, लेकिन महराज मलिक का भी बयान आया, लेकिन आज के दिन जो है उन्हें त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन जो है वहां पे कैद कर दिया गया है, लॉकअप में रखा है उन्हें, और जो है उनसे जो बातचीत जो वहां पे पूछताछ जो है वो की जा रही है त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के द्वारा। और क्यों की जा रही है, एक बड़ी खबर है इस समय, क्योंकि डीडीसी काहरा, ये वही डीडीसी हैं, ये वही काहरा का इलाका है जहां पे एक बार ब्लॉक दिवस में डीसी डोड़ा जो है वो गए थे, लेकिन वहां पे जो है वो डीसी डोड़ा के खिलाफ नारे जो है वो लगाए गए थे, डीडीसी महराज मलिक के द्वारा जो है वो नारे लगाए गए थे कि एंटी नेशनल जो है वो के नारे जो है वो डीसी डोड़ा के लिए जो है वो लगाए गए थे। और लगाए किसने थे, महराज मलिक ने, जो हमेशा कंट्रोवर्सी में जो है वो पड़े रहते हैं और कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा जो है वो जो बहुत सारे लोग जो है उन्हें मानते हैं। और जिस समय ब्लॉक दिवस में वहां पे डीसी डोड़ा वहां पे गए थे और डीसी डोड़ा ने वहां पे कहा था कि काहरा को जो हम तक खबर पहुंची थी उसके माध्यम से जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमें सुनने को मिला था कि डीसी डोड़ा ने कहा उन्हें कि फ्री की खाने की जो है वो आदत पड़ चुकी है, तो उस पे जो है कंट्रोवर्सी तैयार होती है और एक कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट की जाती है महराज डीडीसी महराज मलिक के द्वारा। और वहां पे कहा गया था कि एंटी नेशनल जो है वो डीसी डोड़ा है, करप्ट जो है वो डीसी डोड़ा है, लेकिन आज वही महराज मलिक जिस तरह से एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो है वो चलाई जा रही है, उसके बीच में महराज मलिक ने जो है वो एक बयान दे दिया और उस बयान की वजह से जो है वो खुद फंस चुके हैं। इस समय त्रिकुटा नगर जो है पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो वहां पे हैं और अपने ही बयानबाजी की वजह से फंस चुके हैं। और बयानबाजी क्या दी है, खून खराबा, जिस तरह से हर बार जो है कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट उनके जो है वो सामने आते हैं, तो एक इंटरव्यू देते हुए एक जो है पत्रकार को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए जो है वो इन्होंने खून खराबे की जो है वो बात कर दी गई है, और उस खून खराबे की वजह से माहौल जो है वो जम्मू का माहौल खराब करने की वजह से जो है महराज मलिक को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं एमजी हेक्टर शोरूम की जब वहां पे डिमोलिश उसे किया जा रहा था, वहां से जो कब्जा जो है वो हटाया जा रहा था सरकार के द्वारा, तो तस्वीरें आपने देखी कि पत्थर जो है वो बल्डोजर पे फेंके गए, वहां पे जो है पत्थरबाजी जो थी वो की गई, बहुत सारे वहां पे नेता पहुंचे, बहुत सारे लोगों ने वहां पे बयानबाजी की, तो उनमें से एक थे महराज मलिक डीडीसी काहरा, जिन्होंने कंट्रोवर्सी में आते हुए ये बयान जो है वो दे दिया। और बयान में उन्होंने क्या कहा कि खून खराबा जो है वो हो जाएगा, इस तरह के जो है वो बयान जो उनकी तरफ से सुनने को मिले, और उसी पे जो है वो एक्शन इस समय जम्मू कश्मीर सरकार और पुलिस ने जो है वो लिया। त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के अंदर इस समय उन्हें रखा गया है। और एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक माने ताने लीडर हैं महराज मलिक, काहरा की अगर बात करेंगे तो काहरा के अंदर लोग जो है उन्हें पसंद करते हैं, और उस वजह से ही वो जो है वो डीडीसी एक छोटी उम्र में जो है वो डीडीसी बने, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बहुत सारे कंट्रोवर्शियल जो है वो स्टेटमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो उनमें से एक स्टेटमेंट ये था कि जो खून खराबे पे उन्होंने बात की जम्मू के अंदर, और जम्मू में उन्होंने पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर दिया। ये इस समय की बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के नेताओं को, इस तरह के लीडर्स को क्या इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है वो देने चाहिए? आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जो है वो जरूर रखें। क्या इस तरह के जो नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, क्या उनको कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना चाहिए? क्या उनको इस तरह की खून खराबे की बात करनी चाहिए? क्या जम्मू के अंदर उन्हें माहौल खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें वो करना चाहिए? क्या उन्हें ये चीजें शोभा देती हैं? क्या कुछ जम्मू के अंदर इन्हीं कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट से पहले भी बहुत कुछ हुआ है, तो क्या आप फिर से वो माहौल जो है वो खराब करना चाहते हैं? क्या कुछ
जो है वो अब सामने निकल के आता है, क्या नतीजे जो है सामने निकल के आते हैं वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर ये कि डीडीसी महराज मलिक काहरा के जो डीडीसी हैं उन्हें जो है वो अरेस्ट कर दिया गया। त्रिकुटा नगर जो है पुलिस स्टेशन वहां पे इस समय वो मौजूद है। और किया क्यों है, क्योंकि उन्होंने एंटी जो एक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चल रही है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, उस पर जो है उन्होंने बयानबाजी दी है और जो है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है उन्होंने दिया है जिसमें खून खराबे की उन्होंने बात की है। तो इस वजह से जो है उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। वो इस समय जम्मू के अंदर त्रिकुटा पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो मौजूद है। एक बड़ी खबर इस समय जो है वो सामने निकल के आ रही थी, यही आपके साथ साझा कर रहे थे। आप भी अपने कमेंट जो कमेंट बॉक्स में अपनी जो है वो राय जो है आप भी रख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें टीएलआर। नमस्कार।